देख रहे हैं सच दर्शन। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में स्थित इलाके में वकीलों और न्यायाधीशों के बीच में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन जिला न्यायालय द्वारका के सौजन्य से किया गया। इस सभा में चीफ गेस्ट न्यायाधीश गौतम मनन, ग्रुप कप्तान एयरफोर्स राजीव वर्मा और यतन कुमार दुबे शामिल हुए। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था कि न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में जो भी मुकदमे हो उनकी पैरवी देश की मातृभाषा हिंदी में हो, जिससे कोर्ट में चल रहे सभी मामलों की पारदर्शिता बनी रहे। इसमें कई बार मामलों में गवाहों की गवाही का अर्थ बदल जाता है, ऐसे में हिंदी भाषा मामलों में सही कारगर साबित होगी, जिसके चलते हिंदी भाषा से सभी न्याय संगत आदेशों और निर्देशों को पक्ष और विपक्ष दोनों सही तरह से समझ सके, जिसके चलते यह नीति 2012 में लाई गई थी, पर मैच खाना पूर्ति पर ठंडे बस्ते में हर बार की तरह डाल दी गई। ऐसे में एक बार फिर वकीलों और न्यायाधीशों ने इसकी सुध लेकर इसे अमल में लाने का संकल्प किया है। बहुत अच्छा आयोजन था और हिंदी का प्रयोग इस मुल्क में, मातृभाषा का प्रयोग जितना होगा उतना आम आदमी के लिए, संस्थाओं के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा। आज जो द्वारका इकाई ने भारतीय भाषाओं के सवाल पर यहाँ जो बैठक की है, सर्वप्रथम मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया। जो भारतीय भाषाओं को लेकर के हमारी जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई है कि भारत के लोगों को उनकी भाषा में, चाहे वह जिला न्यायालय हो, चाहे वह उच्च न्यायालय हो, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो, उसमें न्याय मिलना चाहिए, उस कड़ी में आज का यह आयोजन था। हमारे इस संबंध में सरकार से स्पष्ट मांग है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत अविलंब हर राज्य के न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालयों में बात प्रस्तुत करने का हक भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। आज के कार्यक्रम के लिए मैं भारतीय भाषा अभियान की द्वारका इकाई को साधुवाद देना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सफल कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम जो है ये जन जागृति का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य केवल इतना है कि 70 वर्ष भारत को स्वाधीन हुए हो चुके, परंतु फिर भी यहाँ की जो अपनी भाषाएं हैं उनको वो स्थान नहीं मिल पाया जो अंग्रेजी ने बना के रखा हुआ है, और ये दोष हमारी गलत नीतियों का है। परंतु अब जैसे जैसे भारतीय भाषा अभियान अपना कार्य बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जागृति दिख रही है, और न्यायपालिका में भी ये विशेष आग्रह है इस संस्था का और इस संगठन का कि धीरे धीरे ही सही परंतु अंततोगत्वा आने वाले समय में विधि के क्षेत्र में जितने भी वाद हैं, यानी पेटिशन जिन्हें कहते हैं, वो हिंदी में हो, जितनी प्रार्थनाएं होती हैं जजेस के सामने वो हिंदी में हो, और जो निर्णय होते हैं वो भी हिंदी में आए, ताकि आम व्यक्ति जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उसको ये समझ में आ सके कि उसके बारे में जो निर्णय आया वो क्या था। अन्यथा उसको समझने के लिए केवल उन्हीं लोगों के पास आश्रित रहना पड़ता है जो अंग्रेजी के विद्वान होते हैं। इस तरह के कार्यक्रम से हमारे इस इकाई के जितने भी अधिवक्ता हैं उनमें बड़ा उत्साह वर्धन उनका होता है, और अधिवक्ताओं के साथ साथ हम न्यायालयों के भी करीब इस अभियान को पहुंचाने में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और जितने लोगों की इसमें सहभागिता है उन सबके समर्थन से जन जागृति में हमें बहुत हद तक सफलता मिल रही है। जो आज का हमारा कार्यक्रम रहा है वो भारतीय भाषा, ना केवल हिंदी जो हमारी मातृभाषा, साथ साथ हमारी सभी भाषाओं को न्यायालयों में उसको लाना, उसी हमारी भाषाओं के जो है उसका हमारे न्यायालयों में कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी है। और मैं आज से ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी मुहिम छिड़ चुकी है, और हमें अपनी भाषा को, हमारा जो हमारी मातृभाषा का जो स्थान है उसको उसी स्थान पर और उसी तरीके से जो हम भूल चुके हैं
से उसी स्थान पर हमें खड़ा रखना है और हम अपने हाथों के अपने मजबूत हाथों के साथ उनके उस स्थान को हम बरकरार रखें। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो था भारतीय भाषाओं की संवैधानिक स्थिति, और संविधान ने भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है कि अगर कोई भी वाद, कोई भी प्रतिवाद भारतीय भाषाएं, जो भी भाषाएं हैं, चाहे वो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं चाहे उत्तर भारतीय भाषाएं हैं, उनमें दायर किया जा सकता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें अपनी राष्ट्रभाषा राजभाषा के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक अभियान छेड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से अगर हम बात करें मानसिक गुलामी की, तो आज हम उसमें कैद हैं। हम वैसे आज़ाद हो चुके हैं, आज भी हम पश्चिमी सभ्यता के इतने गुलाम हैं कि अपने बच्चों को कभी हम हिंदी की तरफ आकर्षित होने के लिए उनको प्रेरित नहीं करते हैं। हम जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल के लिए, मिशनरी स्कूल के लिए, हमारे जो संघ के स्कूल चलते हैं, जो हमारे तेलुगु स्कूल चलते हैं, इनकी तरफ हम कभी आकर्षित ही नहीं होते, आर्य समाज के जो स्कूल चलते हैं। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे, उनकी पढ़ाई में हम हिंदी को ऐसे शामिल करें ताकि वो उसकी तरफ आकर्षित हो और उसे अपना भविष्य बनाए। बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम, और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, और इसमें अगर वाद स्थापित किए जाएंगे और उनके निर्णय भी हिंदी में आएंगे, तो जो वादी हैं, जो जिसको लिटिगेंट कहते हैं, जो मुकदमा लेकर आया है, प्लेंटिफ जिसको बोलते हैं, वादी, उस वादी को अपने मुकदमे का जो रिजल्ट आया है, जो उसका निर्णय आया है, उस निर्णय की जानकारी भी होगी कि उसका किन तथ्यों पर, किन आधारों पर उसका निर्णय आया है और क्या निर्णय आया है। और जो जरूरी है, जो न्याय मांगने आया है, उसको अगर ये नहीं पता लगेगा कि उसको न्याय क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, ये अगर वो नहीं समझ पाएगा तो उसका आना और ना आना भी व्यर्थ है। न्यायालयों को और सरकार को सोचना होगा कि वहाँ पर हिंदी के टाइपिस्ट प्रोवाइड कराए जाए न्यायाधीशों के लिए। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 से रोहित के साथ दिशा हेनरी की रिपोर्ट, सच दर्शन।